अगर मुझे पता होता कि वन में जाकर मेरा भाई मुझसे अलग हो जाएगा तो मैं पिताजी के वचनों को मानने वाले थे, फिर भी मैं उनको नहीं मानता भैया। हे भैया लक्ष्मण, जब तुम ही नहीं होगे, जय हो, तो ये राम क्या करेगा। जब तुम नहीं होगे, जब तुम
गया। आए तुम इस दरा पर सो रहे हो, बड़े ही कड़वे और कठोर वचन बोलते थे, मैंने तुम्हें बहुत समझाया, लेकिन तुम मेरे साथ बन के लिए आए थे। निज जननी के एक कुमारा ताते तासु तुम प्राण आधारा। और हे भैया लक्ष्मण, तुम अपनी माता के अकेले पुत्र हो और उसके लिए अपने प्राणों से भी प्रिय हो। मैं बिना तुम्हारे हैं भैया किस तरह अवधपुर जाऊंगा। माँ पूछेगी जब लखन का तो क्या कहकर समझाऊंगा, उस गोदी से उस छाती से ज्वाला बड़बड़ा उठेगी जा। जलहीन मीन ओ प्याकुल ओ मैया तड़पड़ा उठेगी जा। धीरज रखे प्रभु, तब बतलाओ भैया, तब बतलाओ लक्ष्मण भैया, कैसे न जलेगा जगत बहा। बच सकते फिर क्या लपटों से श्री भरत और शत्रुघ्न वा। तुम इस मूर्छा में मरते हो, सीता मरती है लंका में, माता या रहे सह भ्राता मरते उधर अयोध्या में। प्रभु प्रलाप सुन कान विकल भये बानर निकर, आए गए हनुमान जी में करो नाम हो वीर रस। हे भैया धारण कीजिए अपने उपकारों के घट को, विराज और बढ़ते जाना, अंतिम इच्छा इस राघव की इस बात पूर्ण करते जाना। हे भैया इतना करना हम दोनों की छातियां मिला देना भाई, एक ही वस्त्र में दोनों को कसकर लिपटा देना भाई। यदि चिता बनानी मुश्किल हो तो जल में यही बहा देना, जल की ठंडी लहरों में दोनों को साथ सुला देना। दोनों के रुद्रों से इतना लिख देना सागर के तट पर, भाई भाई की यादगार है इसी सगर के मरगट पर। हे भैया लक्ष्मण तुम क्यों नहीं बोलते हो। प्रभु प्रलाप प्राति मोई साची बताए, मेरे भैया सो रहे आज भूम पर, ब्राति तुम काए भूम
हनुमान जी आते ही होंगे प्रभु, धैर्य धारण कीजिए प्रभु। हाँ, परम आदरणीय उपस्थित सज्जनों।